आपको बताएंगे भीलवाड़ा में दंगे की साजिश कौन कर रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे अमेठी में धर्मांतरण के खिलाफ योगी ने क्या एक्शन लिया है और राहुल का झूठ कैसे बेनकाब हुआ है, मिस इंडिया पर वो कैसे मिसिंग जानकारी दे रहे हैं। एक एक चीज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मोहर। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बीजेपी का बयान, कहा व्यापक चर्चा के बाद नई स्कीम को मंजूरी। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर की बस राजनीति, हिमाचल में अब तक लागू नहीं कर पाई ओपीएस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, बोले सरकार बदलने पर आपके ऊपर भी ऐसी एक्शन संभव। बीजेपी का पलटवार, कहा देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं ओवैसी। कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बोले पीएम मोदी, कहा ये पाप माफी लायक नहीं, दोषी और उसकी मदद करने वाले बचेंगे नहीं, हर स्तर पर लापरवाही का होगा हिसाब। कोलकाता केस का आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा, करीब 3.5 घंटे चला टेस्ट। आज जाकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम, परिसर की दूसरी बिल्डिंग में की जा रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर छतरी लगाकर सो रहा था युवक, लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, नंदू गैंग के बदमाश को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर मिठाई शॉप पर फायरिंग का आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, वन विभाग समेत प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप, हमले में 5 मासूमों की मौत। इसराइल ने हिजबुल्ला की तरफ से दागे कई रॉकेट नष्ट किए, दोनों तरफ से घातक हमले तेज हुए। रूस में गिरी जर्जर दीवार, मौके पर बड़ी 7 कार क्षतिग्रस्त, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं योगी की, लेडी सिंघम की। आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं योगी राज में काम चोरी और लापरवाही की कोई जगह नहीं है, वो ये तस्वीर बता रही है। लखनऊ से ही ये तस्वीर सामने निकल कर आई है दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन महिला को आपने देखा वो गुस्से में है दर्शकों, देख लीजिए। वो लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल है और ये यूपी सरकार के कुछ अधिकारियों को फटकार लगा रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। यही लगूंगी, ये देखे कि 5 दिन पहले हुआ था, ये 5 दिन पहले बताइए क्या समस्या है। अल्लाह सर बोलिए, आप उधर क्या देखा, आप बताइए क्या समस्या है। कोई भी नाली हो, आप जगह हो, पूरी जिम्मेदारी आपकी है, चाहे वो स्वास्थ्य की नाली हो या तो फिर हट जाओ, निकल लो, मत करो काम, कर दो भी जाएंगे। देख लिया दर्शकों आपने वीडियो देखकर, और मेयर की फटकार भी आप सुन चुके हैं और समझ गए होंगे कि मामला लापरवाही से जुड़ा हुआ है। यहां योगी सरकार की ये लेडी सिंघम जिन्हें हमने आपको दिखाया, ये जोनल अधिकारी को फटकार लगा रही है। वो शहर के अलीगंज इलाके का दौरा करने निकली थी और इसी दौरान उन्हें नालियों में गंदगी देखने को मिली, जिस पर वो भड़क उठे और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो इस्तीफा देकर यहां से निकल जाओ, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर का बस यही कहना था कि जोनल अधिकारी अलंकार रस्तोगी गिड़गिड़ाते नजर आए और उन्होंने कमियां दूर करने का भरोसा दिया। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज हमारी पहली खबर है दर्शकों, पहली खबर हम आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोई दंगा भड़काने की साजिश कर रहा है दर्शकों, कोई है
जो चाहता है कि माहौल खराब हो जाए। सोचिए आप, भीलवाड़ा में यही कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं दर्शकों, और यह देश से जुड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटा हुआ है? कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ने की साजिशें लगातार रच रहा है? कौन है जो देश में रहकर भी देश की फिजा को खराब करने के मंसूबे पाल रहा है और उसी कोशिश में जुटा हुआ है? मैं फिर पूछना हूं दर्शकों, आखिर कौन है वो लोग? आज ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों को लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। दंगे भड़केंगे तो देश अस्थिर होगा, ये साजिश है। चारों तरफ आगजनी, खराब हालात, सब कुछ उथल पुथल करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है दर्शकों। और मैं अब आपको दो तस्वीर दिखाने वाला हूं साजिश की, देख लीजिए आप। अभी चार दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर के बाहर नॉनवेज मिलने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की किसी ने साजिश की। और अब क्या हो रहा है भीलवाड़ा में, ऐसी एक साजिश की जा रही है दर्शकों। ऐसी ही साजिश सामने आई है। यहां हनुमान मंदिर के बाहर गाय की कटी पूंछ मिलने से हिंदुओं में गुस्सा है। गाय सनातन धर्म में पूजी जाती है और उनके साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, ये कौन कट्टरपंथी है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों? सोचिए आप, मंदिर के बाहर गाय की पूंछ फेंकना, कटी हुई पूंछ फेंकना, आखिर ये लोग किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में ये षड्यंत्र रच रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे आखिर भीलवाड़ा में हिंदुओं को भड़काया जा रहा है? कौन है ये षड्यंत्र रच रहा है, साजिश रच रहा है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यही वो वीर बजरंगी का मंदिर है, यही वो वीर हनुमान का मंदिर है, यही है वो मंदिर जहां गाय की पूंछ काटकर कट्टरपंथी भाग खड़े हुए। ये मंदिर गांधी सागर तालाब के ठीक सामने बना। यही असामाजिक तत्वों ने गाय की पूंछ काटकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, देश को दंगों की आग में झोंकने का पूरा प्रयास किया। यह असामाजिक तत्व गाय की पूंछ काटकर मंदिर की चौखट पर डालकर भाग खड़े हुए। जब इस पर लोगों की नजर गई तो वो आक्रोश से भर गए। सबसे पहले तुरंत इलाज के लिए गाय को अस्पताल भेजा गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भारी संख्या में मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। भारी बारिश के बावजूद वो धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इलाके में आक्रोश फैला तो पुलिस बल वहां पहुंचा, लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में गुस्सा साधु संतों में उबाल बना हुआ है। और उन्होंने गौ माता की पूंछ काट कर मंदिर में चढ़ा दी है। ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे सामाजिक, उन समाज को प्रतिबंध कर और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों को पहुंचना पड़ा और गुस्से से अपने लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई। सोचिए दर्शकों, ये भड़काया जा रहा है हिंदुओं को। गाय की पूंछ मिलने से हिंदू संगठनों में नाराजगी है दर्शकों, साधु संतों में भी इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी है। 2 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई, अल्टीमेटम दे दिया गया। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और भीलवाड़ा बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन भी किया जाएगा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। 11 बजे सूचना मिली थी कि गाय की जो पूंछ है काटो की मंदिर के पास पड़ी है, तो मौके पर मैं भी आया हूँ और गाय को हॉस्पिटल ले जाया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, जिसने भी बदमाशी करी उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी।